डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 30। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखे, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे, मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। पाई पेराचेंज। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास के उस सबक की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहेब आप टहलते हुए तशरीफ ले आइए, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी मिलिट्री अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। पाई पेराचेंज। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र
के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था, मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। अभी 29 अगस्त को चीन ने हमारी सरकार को जो विरोध पत्र भेजा है उससे बड़ी खतरनाक सूचना मिलती है। वह बड़ी चिंताजनक बात है और उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। स्टॉप।